ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन एक बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृहमंत्री, उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा होए जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की, उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणिपुर। और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी, अविश्वास प्रस्ताव ला करके राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ही सदन का तीन दिन में विपक्ष में बैठे हुए साथी अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, इतने सारे उठे उठाए और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बिने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। आज के परिदृश्य में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता मां भारती के लिए, पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, पश्चिम बंगाल के गरीब भाई बहनों के लिए जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, एक प्रकार से साधना कर रहे हैं, अपने आप को तिल तिल झला करके ये हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल का उस पुराने वैभव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है, पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो। फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और अगर मानो उसने चातुर्यपूर्वक फॉर्म भरने के लिए जगह पर पहुंच भी गया तो फिर चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना, उनको घर घर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, धमकियां देना। और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकाना, ऐसा नहीं, वोटरों को भी भयभीत कर देना। और बीजेपी के जो समर्थक रिश्तेदार हैं उनको भी जीना मुश्किल कर देना, घर से निकलने नहीं देना। और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है,
सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना, और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना, काउंटिंग में से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा उठा करके बाहर ले जाना, बैठने नहीं देना। इतने जुल्म के बाद भी ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं, और जब जीत जाते हैं तो उनको जुलूस नहीं निकाल देना, कोई जुलूस निकालने की कोशिश करे तो हमले बोल देना, जानलेवा हमले करना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति का यही तरीका है। वहां हमारी बहनों को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है ये हम भलीभांति जानते हैं। इन हालातों में भी भाजपा के जो प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, मैं उन्हें और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो लोग लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं, आए दिन ईवीएम से छुटकारा पाने के लिए मनगढ़ंत कथाएं चलाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आपने उनका नकाब देश के सामने उतार दिया है। प्रधानमंत्री आज अपने बीजेपी कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान कुछ असत्य भाषण भी रखे हैं। बंगाल में आप हार गए, 2021 में आप हार गए, बीजेपी हार गई, और हाल ही में 2023 पंचायत निर्वाचन में भी भाजपा हार गई। इसको आप स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो विजयी हुई है, 2021 में जीती है, 2023 में जीती है, उसकी विजय को आप जो है एक अलग सा रूप देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि बंगाल में संतरास हुआ, वायलेंस हुआ, किसने किया? भाजपा। कौन शुरू किया? भाजपा। किसने वीडियो बनाए? भाजपा। तो भारतीय जनता पार्टी वायलेंस भी करती है, उसका वीडियो बना के उसको प्रचार करके सोचती है इससे फायदा ले। बंगाल में ये नहीं चलेगी। बंगाल पे आप कहते हैं कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार आदिवासियों पर अत्याचार करती है। कहा हम लोग और सारे भारतवर्ष देख रही है कि अत्याचार हो रही है भाजपा जहां सरकार बनी है उन राज्यों में, जैसे देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आदिवासियों दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, मारा जाता है, खून किया जाता है, उन पे बलात्कार किया जाता है, और आप कहते हैं बंगाल के आदिवासियों को नहीं देखती है ममता बनर्जी? असत्य भाषण। सीएजी की रिपोर्ट हाल ही में ये कहा है कि आयुष्मान भारत बोलिए या और भी जो केंद्र सरकार के जो स्कीम्स है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप्स आए हैं, सीएजी ने कहा है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? आपके भाजपा के सर्वभारतीय सभापति कहते हैं अपने कार्यकर्ता को आपकी उपस्थिति में कि प्रधानमंत्री जितने भी व्यस्त हो लेकिन अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बात करने के लिए वो अपना समय निकालते हैं। जरूर आप निकालते हैं, लेकिन मणिपुर के लिए आपके लिए समय नहीं था। बंगाल के विषय आपके जो भाषण में आज आया है, बंगाल से इस तरीके के सौतेला सलूक क्यों, क्यों इस तरीके की सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? हमारे सवाल यहां पे है, हम लोग प्रतिवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री आप तो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री है और हम लोग के भी प्रधानमंत्री है, लेकिन ये असत्य भाषण क्यों?